दिल्ली में बदमाश को पकड़ने के दौरान घायल हुए एएसआई की मौत। बदमाश के चाकू के हमले में घायल हुए थे एएसआई। एएसआई शंभू दयाल की इलाज के दौरान मौत हो गई है। बदमाश अनीस को पकड़ने के दौरान घायल हुए थे। मोबाइल चोर को पकड़ने के दौरान यह हमला हुआ था। 4 तारीख को मायापुरी इलाके में बदमाश को पकड़ने के लिए गए थे और उसी दौरान अनीस नाम के बदमाश ने उन पर चाकू से हमला किया था। गंभीर रूप से घायल हुए थे। उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया था जहां आज उनकी मौत हो गई। 4 जनवरी से अस्पताल में भर्ती थे शंभू दयाल। 2 तस्वीरें 4 जनवरी को जब हमला हुआ था तब अस्पताल से तस्वीरें सामने आई थी घायल एएसआई शंभू दयाल की। आज मौत हो गई है। गंभीर रूप से घायल हुए थे। चाकू से ताबड़तोड़ वार किया था बदमाश ने। हालांकि एएसआई शंभू दयाल की बहादुरी थी कि उन्होंने घायल होने के बावजूद उस बदमाश को पकड़े रखा था और बाद में उनके दूसरे साथियों ने आकर के बदमाश को थाने पहुंचाया था। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। हमारे सहयोगी प्रमोद शर्मा इस खबर पर हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रमोद, शंभू दयाल जो कि एएसआई थे, काफी बहादुरी के साथ उन्होंने बदमाश को पकड़ा था और घायल होने के बावजूद उसे छोड़ा नहीं था। अफसोस वाली खबर आई है, आज उनका निधन हो गया। बिल्कुल, एक दुखद खबर आई है कि मायापुरी थाने में तैनात शंभू दयाल जो कि असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर के पद पर थे, जब 4 जनवरी को एक महिला आई थी और उसने शिकायत करी कि एक बदमाश ने उसका मोबाइल छीन लिया है, तो बजाय इसके कि बाकी स्टाफ को अपने साथ ले जाते, उन्होंने बिना समय गवाए जो है बदमाश का पीछा करना शुरू कर दिया था और बदमाश को दबोच लिया था। लेकिन बदमाश अनीस ने जो है चाकू निकाल के ताबड़तोड़ शंभू दयाल पर कई वायर किए थे जिसकी वजह से वो काफ़ी घायल हो गए थे, लेकिन हिम्मत नहीं हारी और बदमाश को पकड़े रखा। उसी दौरान जो उनके बाकी पुलिस वाले आके जो अनीस को गिरफ्तार कर लिया था, उसे पकड़ लिया था, लेकिन घायल हालत में उन्हें बीएलके अस्पताल ले जाया गया था जहां पर वो आईसीयू में भर्ती थे। उस दौरान जो है उनकी हालत काफ़ी ज़्यादा क्रिटिकल थी और आज ये एक दुखद खबर आई है कि शंभू दयाल की मौत हो गई है। इस बात को लेकर जो पुलिस जो अधिकारी हैं वो भी सकते में है। कई पुलिस अधिकारी जो है शंभू दयाल को घायल हालत में देखने भी अस्पताल गए थे। एक बहादुर जो पुलिसकर्मी है उसने अपनी जान पर खेलकर बदमाश को पकड़ा था और एक महिला की तरफ से शिकायत भर पे ही जो है निहत्ते बदमाश को पकड़ने के लिए चल दिए थे और उसके ताबड़तोड़ चाकू के हमले में अपनी जान गंवा चुके हैं शंभू दयाल। तो इस चीज़ को लेकर जो है जो अधिकारियों में काफ़ी दुख है कि एक बहादुर जवान जो है वो उन्होंने खो दिया है, एक बहादुर पुलिस अधिकारी उन्होंने खो दिया है जो कि अपने कर्तव्य के लिए बिना वक्त गवाए जो है हमेशा तैयार रहता था और उसने एक बहादुरी की मिसाल भी पेश की थी और अब उनको इस बहादुरी सम्मान से भी जो है दिल्ली पुलिस। निश्चित तौर पर शंभू दयाल ने बहादुरी की एक मिसाल कायम की है और 3 दिन तक वो अस्पताल में रहे, जिंदगी और मौत के बीच झूलते रहे और आज उनका निधन हो गया, उनकी मौत हो गई। बहुत शुक्रिया प्रमोद इस पूरी जानकारी के लिए। बिना कुछ खर्च किए अपने किचन से होम बेकरी बिजनेस करके 40,000 रुपए महीना कमा रही हैं। आपको भी ये करना है तो फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।